फिर से एक न्यू ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो गाइस आज अपुन लेके आया अपुन के लवली को इधर मतलब धोने के लिए। बहुत दिन से अपुन के लवली को मतलब धोया नहीं था करीबन कि गाइस 3 महीने से मतलब धोया नहीं है, इतना गंदा हो चुका है। तो इसको आज लेके आए हैं इधर धोने के लिए। इधर है मतलब एक सेलो चल रहा है अपुन के बिल में, जो चार्ज करते हैं उसका जरा सेलो चल रहा है। तो यहाँ पर अपुन के लवली को अभी धोया जाएगा। देसी जुगाड़ लेके आया है, शैम्पू वैम्पू लेके आया है। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए मैं अपुन के लवली को आज कैसे साफ करता हूँ। ज्योति है खदोती तो इधर धो के पूरा रेडी कर दिया। अभी पूरा पानी वगैरह टपक रहा है, धूप में सूखने के लिए दे दिए। और यहाँ पर प्लास्टिक देने का धोने का कारण यही है क्योंकि तेल टंकी में बहुत ही ज़्यादा पानी घुस जाता है धोने के टाइम। लवली तो नहा लिया और आपुन अभी नहाएगा, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। आपुन का बाल बाल पूरा ऐसे हो चुका है, शैम्पू वगैरह नहाएंगे। तो अभी बज रहे शाम के 5 और अभी मैं जा रहा हूँ पेंडल का सामान चलाने के लिए, पेंडल के बांस चला वगैरह चलाने के लिए। तो दिलेश काका से भी मुलाकात हो चुका है। तो ये कुछ अभी बंगाली में शायरी सुनाएगा। क्या शायरी सुनाएगा सुन लीजिए आप लोग। सुनेगा तो हेडफोन लगा के रखिएगा। हम लोग रात को जा रहे हैं बांस लोड करके। इधर अनू बैठा है, इधर हमारे बूढ़ा बेड़गा बैठा है, इधर हम लोग का बांस वगैरह पूरा गाड़ी में लोड है। ये देखो पीछे, इधर अभी हम लोग का बांस खाली हो रहा है। बांस अभी खाली हो रहा है इधर।